सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। कैमूर जिले के भभुआ मोहनिया मुख्यालय में आज सुबह मोहनिया पुलिस ने छापेमारी कर शराब तस्कर को धर दबोचा। कैमूर मोहनिया थाना क्षेत्र के एनपथ के सहारे उत्तर प्रदेश से दारू ला रहे थे तस्कर। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर उन्हें धर दबोचा। रोहतास जिले के कोचस थाने के कोचस निवासी नीलेश कुमार NH2 पर लाल अपाची के सहारे शराब की तस्करी कर रहे थे। जब पुलिस ने उन्हें दबोचा तो उनका दूसरा साथी विनीत कुमार भागने में सफल रहा। पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि NH2 के सहारे शराब की तस्करी हो रही है। पुलिस ने छापेमारी कर शराब तस्करों को रंगे हाथों धर दबोचा। शराब तस्कर को जब पुलिस ने खदेड़ा तो भागने के बाइक सवार अनूप कुमार को धक्का दे दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। व्यक्ति को इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया। बताया जाता है कि शराब तस्कर NH2 पथ से होकर दसौती मोड़ की ओर भागने की कोशिश कर रहा था, तभी पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस ने शराब कारोबारियों के पास से 8 पीएम ट्रेटा पैक, 96 पीस रॉयल स्ट्रॉन्ग, 7.5 ml सहित काफी मात्रा में शराब की बोतल बरामद की है। इस दौरान दूसरा साथी विनीत को पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा, जो बक्सर का निवासी बतलाया जा रहा है। मौके पर जानकारी देते हुए थाना प्रभारी संतोष कुमार ने कहा कि उन्हें कुछ दिनों से जानकारी मिल रही थी कि NH2 के सहारे शराब का तस्कर हो रहा है। उन्होंने इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। कानूनी कार्रवाई के बाद उसे जेल भेजने की बातें कही।